निर्देशक राकेश सावंत की फिल्म हेलो कौन है का एक स्केड्यूल हाल ही में मुंबई में पूरा किया गया। फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं निगार खान और एडम बेदी। इनके अलावा एक इंस्पेक्टर की भूमिका में नजर आएंगे राजेश खन्ना। राजेश खन्ना इज प्लेइंग अ सीबीआई ऑफिसर। Rati Agnihotri is playing a journalist. They are both very good friends. And I have my new crew, jaise Nigar, Adam Bedi, Rajat Bedi, Meera Vasudevan. Ye college group ke students hai, jis college mein pehle bhi murder ho chuka aur abhi bhi murder hua hai. Iski investigation ke liye Rajesh Khanna ji aate hain. Aur kaise end tak wo katil ko pakad paate hai ya nahi paate hai. That is a total film. मेरा कैरेक्टर का नाम है टीना। एक कॉलेज गर्ल है हु हैज अ बॉयफ्रेंड नेम्ड एडम, आई मीन रियल लाइफ पर उसका नाम राहुल है मूवी में। और देन मतलब दिस इज लाइक अभी वी आर शूटिंग अ सीन वेयर आई एम हैविंग अ वेरी डिसअपॉइंटेड टाइम बिकॉज ही हैज लेट मी डाउन काइंड ऑफ थिंग। सो उसका रिलेशनशिप भी है and in the movie we something happens that makes the movie very interesting as a twist, because this girl has a life with boyfriend family. Wo bahut rich ladki hai, uska daddy bahut rich hai, this is played by Tom Alter. Sir, usi ka phone hai sir, ye usi katil ka phone hai sir, ye usi katil ka phone hai sir. Action. हेलो कौन है एक सस्पेंस थ्रिलर है जिसकी कहानी है चार दोस्तों की जो एक हादसे के बाद मुसीबत में फंस जाते हैं। लगता है उसने फोन काट दिया। ये उसी की आवाज थी, उसी का फोन था, मैं उसकी आवाज कैसे भूल सकती हूँ, मुझे अच्छी तरह से याद है सर। एक जमाने में सुपरस्टार रह चुके राजेश खन्ना का मानना है कि ये फिल्म उनके लिए एक सही कमबैक व्हीकल साबित होगी। अरे दादा लाइट छोड़ दो, हट जा यहाँ से। इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए ये इस तरह की लाइन है, ये इस तरह का आर्ट है, ये इस तरह का हुनर है कि जिसका कोई सवेर दोपहर रात जल्दी या देर, चाहे वो सूरज के उगने से या सूरज के ढलने तक, ये वो कला है कि आप कभी भी आ सकते हैं इसमें वापस फिल्मों में और कभी भी फिल्में छोड़ सकते हैं। जहाँ से मैं फिल्म में दिखा रहा फोकस। हाँ, वहाँ से। हाँ, स्लो। मेरा मारने पड़ता फोकस में कब उधर कहाँ से जा रहा है? टेक्सटाइल। स्लो। फोकस लिया जहाँ पर इसका फेस गया ना आउट, जहाँ पर फेस इसका आउट गया ना, कटू। आजकल की ज्यादातर फिल्मों की तरह इस फिल्म में भी काफी हॉट सीन्स शामिल किए गए हैं। शायद निगार खान के इन बोल्ड सीन्स की वजह से ही लोग फिल्म की तरफ आकर्षित हो जाएं।